उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर वन क्षेत्र में स्थित पौराणिक भारामल बाबा धाम में दर्शन किए, साथ ही भविष्य में वहां किए जाने वाले कार्यों का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि भारामल बाबा दर्शन के लिए दूर दराज से लोग चलकर आते हैं, इसी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए अनेक व्यवस्थाएं यहाँ जुटाई जा रही हैं। उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सुदूर वन क्षेत्र में स्थित भारामल बाबा धाम का दर्शन किए। उन्होंने वहां चल रहे निर्माण कार्यों के साथ भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि भारामल बाबा का मंदिर सुदूर वन क्षेत्र में है, जिसके दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक स्थानों से लोग आते हैं, जिसके चलते यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था, एक तालाब, बरसात के मौसम में लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता और रात में रुकने के लिए एक रैन बसेरे की व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए यहाँ बजट की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और जल्द ही सभी निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। पवित्र स्थल पर आकर दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिला। यहाँ देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में और जंगलों के बीच में बहुत प्राचीन समय से स्थापित ये मंदिर है, स्थल है, और इसके प्रति लोगों की यहाँ जैसा कि जानकारी मिली है कि पीलीभीत, बरेली और इधर चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इस स्थल का धार्मिक महत्व भी है। तो हम दोनों दृष्टियों से, पर्यटकों की दृष्टि से, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी दृष्टि से भी, हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार करने के लिए पूरी टीम यहाँ अपने साथ में लेके आए हैं। हमारे साथ CDO साहब हैं, इंजीनियर साहबान हैं, और जैसा कि अभी बातचीत में आप लोगों ने सुना कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे बरसात के दिनों में इस परिसर के भीतर लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए टाइल्स लगाने की बात है, या जैसे कि कुछ श्रद्धालु रात में यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि शाम होने के बाद बाहर निकलना थोड़ा सा जंगल होने की वजह से ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए भी हम लोग एक अच्छा सा आश्रय स्थल यहाँ बनाने की सोच रहे हैं और उसके लिए प्लान के लिए हम लोगों ने बोल भी दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।